नैना की जान बचाने के लिए आर्यमान उसे अपने सामने से हटा रहा था, तो उधर अशोक ने वहां आकर वत्सल के वार को निष्प्रभाव कर दिया था। वत्सल की सारी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थी और वो जमीन पर आ चुका था। वत्सल के वार को नाकाम होने के बाद अशोक को सामने देख, जहां अरुणिमा वहां से जा चुकी थी, वहीं अब देव वर्मन और वल्लभ को एक बार फिर से डर सताने लगा था। उधर वहीं मौजूद हेमा भी काफी भड़की हुई थी। वहां मौजूद देवासुर चित्रक को अब वत्सल की काफी चिंता सता रही थी। वो जानता था आर्यमान और अशोक उसे अब नहीं छोड़ेंगे। यही सोचते हुए चित्रक नाग रूप में मौजूद वत्सल से कहता है, जल्दी अपना रूप बदलो और इंसानों के रूप में आ जाओ वत्सल, इस रूप में ये तुम्हारे ऊपर और भड़केंगे। चित्रक को वत्सल के जान की चिंता सता रही थी। चित्रक ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था वत्सल को आर्यमान या अशोक कोई नुकसान पहुंचाए। चित्रक की बातों को सुन वत्सल अब एक नौजवान युवक का रूप धारण कर लेता है। वत्सल को अपना रूप बदलते हुए वहां मौजूद सब लोग देख रहे थे। तभी हेमा उसके ऊपर चीखते हुए कहती है, ये कैसे संभव हो सकता वत्सल, तुम्हारे प्रहार को कोई कैसे रोक सकता है? कहीं तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए अपनी ऊर्जा तो नहीं बचा ली है? हेमा की इन बातों को सुन वत्सल उससे कहता है, अगर कोई यहाँ अनुभवी योद्धा है तो उससे मेरी शक्तियों को जांचने बोलो। मैंने अपने शरीर की पूरी शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल इस हमले में कर दिया था, मेरे भीतर अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर कोई मेरी इस बात को काट देता है तो मैं फिर से तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। वत्सल का जवाब सुनने के बाद अब हेमा चुप हो गई थी। उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा था, वो क्या करे। नीचे खड़ा देव वर्मन भी उसकी और वत्सल की बातों को सुनकर बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उधर वत्सल के हमले से बचने के बाद अशोक, आर्यमान तथा नैना अभी भी एक साथ खड़े थे। अशोक से उसको बचाने का कारण जानने के लिए नैना बेताब थी, लेकिन वहीं खड़ा आर्यमान सब कुछ समझ रहा था। अशोक ने नैना की जान बचाने के लिए उस वार को रोका है, लेकिन अशोक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वार का मेरे शरीर से सामना होना जरूरी था। एक तरफ नैना अशोक का शुक्रिया करते हुए नहीं थक रही थी, तो उधर आर्यमान वहीं खड़ा होकर उन दोनों को घूर रहा था। थोड़े समय तक उधर देखने के बाद आर्यमान की नजरें वत्सल तथा चित्रक की ओर जाती है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। आर्यमान को अपनी ओर बढ़ता देख डर के मारे चित्रक के हाथ पैर कांप रहे थे। वो तुरंत ही आगे आते हुए कहता है, आर्यमान मुझे पता है तुम कितने ताकतवर हो और तुम्हारा गुस्सा क्या कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम इसे माफ कर दो। चित्रक की बातों को सुन आर्यमान गुस्से से भरी निगाहों से वत्सल की ओर देखते हुए कहता है, इसे माफ कर दूं? इसकी वजह से अभी नैना की जान खतरे में आ गई थी और मैं इसे माफ कर दूं? इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझे मारने के लिए किया और इसके लिए तुम मुझसे ही माफी चाहते हो? तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही शरीफ समझ लिया चित्रक। आर्यमान की इन बातों को सुन चित्रक वत्सल की तरफ देखते हुए कहता है, इसके और हेमा के बीच की बातों को सुनकर बहुत कुछ का अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा आर्यमान, ये तो बस उससे किए हुए वादे को निभा रहा था। इसके अलावा इसकी कोई गलती नहीं है, असली कसूरवार तो कोई और ही आर्यमान। चित्रक की बातों को सुन नैना और अशोक भी वहां पहुंच चुके थे। अशोक के वहां होने की वजह से और उसके आंखों के गुस्से को देख चित्रक की हालत और भी खराब हो रही थी। वो समझ गया था आज आर्यमान या अशोक में से कोई एक वत्सल को जरूर मारेगा। चित्रक तुरंत ही उनके सामने हाथ जोड़ लेता है, इसने जो भी किया वो मजबूरी में किया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। चित्रक इतना कहकर चुप ही होता है। तब तक आर्यमान और अशोक एक साथ बोल पड़ते हैं, अगर नैना को कुछ हो जाता तो क्या होता? उन दोनों को एक साथ एक ही बात बोलते देख नैना और चित्रक उनका चेहरा देखने लगते हैं। एक साथ एक ही बात बोलने के बाद दोनों चुप थे। तभी आर्यमान आगे आते हुए कहता है, तुम अभी मुझसे इसके जान की भीख मांग रहे हो, लेकिन क्या आप इसने नहीं देखा, नीचे मैं खड़ा हूं, इसके बाद भी इसने मेरी जान मुसीबत में क्यों डाली? क्या इसके शरीर से मेरा डर खत्म हो गया है? आर्यमान, अशोक, नैना, चित्रक और वत्सल अब बिल्कुल आसपास खड़े थे और आर्यमान उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई और सुन न सके। आर्यमान की इन बातों को सुन चित्रक वत्सल की ओर देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया वत्सल, तुमने सामने आर्यमान को देखने के बाद भी यह सब क्यों किया? चित्रक की इन बातों को सुन वत्सल हंसते हुए कहता है, अगर आंख होती तब तो मैं आर्यमान को देखता ना चित्रक, मैंने तो बस हेमा की बताई हुई स्थिति को देखकर हमला किया था, मुझे नहीं पता था मेरे सामने कौन खड़ा है। वैसे चित्रक,
अगर मैंने वादा कर दिया था तो शायद मुझे दिखाई देता, तब भी मैं आर्यमान के ऊपर हमला करता। वत्सल से आंख न होने की बात सुनकर चित्रक के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वहां मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे, लेकिन चित्रक के लिए वत्सल अपने परिवार की तरह था, इसलिए उसका गम कुछ ज्यादा ही था। वो तुरंत ही चित्रक से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वत्सल, ये सब कब हुआ? चित्रक के सवालों को सुन वत्सल उसकी ओर देखते हुए कहता है, चित्रक, मेरी इंसानों से नफरत और बढ़ जाने का यही तो कारण है। जब वे मुझे गुलाम न बना सके तो उन्होंने मुझे अंधा बना दिया। ये इंसान अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, इन्हें हर किसी को गुलाम बनाना है। हमारे साम्राज्य को तो इन्होंने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था, उसके बाद इन्होंने जंगलों में आवाजाही शुरू कर दी। जंगल के भी सारे जानवरों को मारकर या उन्हें बंधक बनाने से जमीन का पेट नहीं भरा, तो अब ये देवासुरों को अपना गुलाम बनाने के पीछे पड़े हैं। ये इंसान कभी भी नहीं सुधर सकते हैं चित्रक। वत्सल की बातों को सुन चित्रक को भी काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अपने सामने खड़े आर्यमान और अशोक की वजह से वो अपना गुस्सा दिखाता नहीं है। चित्रक जानता था उसके सामने अभी सबसे बड़ी मुसीबत ये दोनों हैं, और इनसे अभी उन्हें किसी भी तरह से बचना होगा। वत्सल की बातों को सुन चित्रक आर्यमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सुन लिया ना आर्यमान, ये अंधा है इसलिए इसने ऐसा किया है। चित्रक की बातों को सुन आर्यमान कुछ बोलता उससे पहले ही नैना बीच में बोलते हुए कहती है, ये उस हेमा की बात मान ही क्यों रहा था, आखिर ये उसका गुलाम बनकर कैसे रह रहा था? नैना के सवालों को सुन वत्सल खुद ही उसका जवाब देते हुए कहता है, मैं कोई जानबूझकर उसका गुलाम नहीं बना था, मेरे दुश्मनों ने मुझे इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया था, मैं बिल्कुल निष्प्राण हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं कुषाण राज्य की सीमा पर ही था। इसके बाद यहां के महाराज सिंहवर्मन ने अपना गुलाम बनाने की शर्त पर मुझे यहां रहने की सुविधा दी और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऊर्जा के स्रोत दिए। ऊर्जा के वे स्रोत तो बेहद ही नाकाफी थे, इसलिए मेरी ऊर्जा ज्यादा नहीं बढ़ी। इसके बाद उनकी वंशज हेमा मुझे किसी और को तोहफे में देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मेरी जरूरत आन पड़ी। हेमा ने मुझे बस तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए कहा, उसने ये नहीं बताया था तुम कौन हो। उसके घराने में मुझे जितनी भी ऊर्जा मिली थी मुझे उसका पूरा इस्तेमाल कर तुम्हारे ऊपर हमला करना था और फिर मैं आजाद हो जाता। उसकी बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, अपनी सारी शक्तियों को खोकर तो तुम वापस वहीं पहुंच चुके हो, फिर इसका क्या फायदा, तुमने अपनी आजादी के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई? आर्यमान की बातों को सुन वत्सल हंसते हुए कहता है, इस दुनिया में आजादी से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है आर्यमान, और फिर इन इंसानों का इतने सालों तक गुलाम रहने के बाद मैं तो ये जान गया हूं, बिना शक्तियों के रहना आसान है, लेकिन किसी का गुलाम बनकर अपनी अंतरात्मा को मारकर जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे ये आजादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, मुझे अब बस आजादी चाहिए थी। वत्सल से पूरी बात जानने के बाद आर्यमान और वहां मौजूद बाकी लोग हेमा की तरफ देखने लगते हैं। हेमा की तरफ देखते हुए आर्यमान की आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अभी ही जला देगा। आर्यमान को इस तरह अपनी ओर देखता देख हेमा समझ चुकी थी सबको सच का पता चल चुका है। अब आर्यमान तथा वहां मौजूद योद्धाओं को देख देव और हेमा को भी डर सताने लगा था। उधर वहीं मौजूद वल्लभ को भी अब अपनी जान का डर सता रहा था। आर्यमान अभी हेमा की ओर देख ही रहा था, तब तक चित्रक उससे कहता है, तुम्हें सच्चाई का पता तो चल गया है ना आर्यमान, अब तो तुम जान गए हो असली दोषी कौन है, अब तो तुम्हारा गुस्सा वत्सल के ऊपर कम हो गया है ना, अब तो तुम उसे छोड़ दोगे ना। चित्रक की इन बातों को सुन आर्यमान उसकी ओर देखता है और उससे कहता है, चित्रक, तुम्हारी नजर में भले ही वत्सल की कोई गलती ना, लेकिन हमारे ऊपर हमला तो इसी ने किया था ना। आर्यमान से इतना सुनते ही चित्रक आगे आते हुए कहता है, लेकिन आर्यमान, ये तो अंधा था और फिर इसने ये सब अपनी आजादी के लिए किया है, क्या अपनी आजादी के लिए लड़ना गुनाह है आर्यमान? चित्रक की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं चित्रक, जो अपने ऊपर हमला करने वाले को माफ करता रहूं। इसने मेरे और नैना के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, वो हमला चाहे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, उसकी सजा तो इसे भुगतनी पड़ेगी। आर्यमान की बातों को सुन नैना को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। यह आर्यमान इन्हें सजा देने के पीछे क्यों पड़ा हुआ, एक अंधे को सजा देकर आखिर आर्यमान क्या साबित करना चाहता है? आर्यमान की बातें नैना की समझ से बाहर थी। तभी चित्रक आर्यमान से कहता है, आर्यमान, हम दोनों गुलाम बनने के लिए तैयार हैं,
बस हमें माफ कर दो और इस अशोक से बचा लो। उसकी बातों को सुन आर्यमान चौंकते हुए कहता है, लेकिन तुम तो नैना के गुलाम बने हो ना। आर्यमान की बातों को सुन अब नैना और चित्रक दोनों चुप थे। वत्सल और चित्रक के साथ अब आगे क्या करेगा आर्यमान? काला तेंदुआ के वत्सल और देव वर्मन का क्या होगा अंजाम?